पूरे देश में हर सूबे में हर शहर में हर कस्बे में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए, हमारे देश में सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए चल रहा है। ये आंदोलन मोदी सरकार को साफ साफ बताना चाहते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हिंदुस्तान का जो नागरिक है, सिटीजन है, वो कोई मजहब या धर्म के आधार पर तय नहीं होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा गया है कि कानून के नजरिए में सब बराबर है जो भी हिंदुस्तान में रहता है, और कानून सबको बराबरी से देखते हैं। लेकिन इस संविधान को चुनौती देते हुए मोदी सरकार ने एक कानून पास किया है पार्लियामेंट में, 11 दिसंबर को राज्यसभा में वो पास हुआ है। वो कानून हमारे नागरिकता कानून में संशोधन ले आया है, बदल दिया है, और ये कानून में संशोधन कहता है कि जो मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम जो है, जो बाहर से आए हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। अगर बांग्लादेश से कोई आए हैं, बांग्लादेश आप जानते हैं 47 के पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक सूबे था, एक जगह था, एक प्रांत था, फिर बंटवारा हुआ। बंगाली बांग्लादेश के हो या पश्चिम बंगाल के हो, एक ही भाषा बोलते हैं बंगाली, उनकी संस्कृति एक ही है। तो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों तरफ से लोग आते जाते थे। अभी ये कानून कहता है कि जो हिंदू आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे। जो सदियों दशकों से 30 साल 40 साल 50 साल पश्चिम बंगाल में रहे हैं, अभी उनको नागरिकता नहीं मिलेगा। ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। हमारे देश के संविधान पूरी दुनिया में जानते हैं कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक संविधान है, किसी को मजहब के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर उसको भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन मोदी सरकार जिसके पीछे आरएसएस है, वो चाहते हैं कि हमारे देश एक हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र में नागरिक सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, ये मंशा है उनका। इस चुनौती को हमें सामना करना पड़ेगा। सीएए पास करने के बाद बीजेपी और आरएसएस ने ऐलान किया है कि हम दूसरा एक काम शुरू करेंगे, वो है एनआरसी। पूरे देश में सब नागरिकों को की सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे,
ये काम अभी उन्होंने कहा कि अगले इस साल पहले अप्रैल से शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या है? नागरिक सूची बनाने के लिए पहले आबादी का रजिस्टर बनाएंगे, जितने लोग रहते हैं किसी इलाके में, घर घर जाके उनका नाम, उनका पता, उनका परिवार का नाम, सब उनके बाप दादा के नाम भी लेंगे, कहाँ जन्म हुए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, आप कहाँ पैदा हुए काफी नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपके बाप का, आपके माँ का जन्म का जगह बताना पड़ेगा। उसके बाद वो कानून में है, ये छिपा रहे हैं आज, कहते नहीं नहीं हमने अभी कुछ फैसला नहीं किया, लेकिन जुलाई 31 को पिछले साल नोटिफिकेशन जारी किया है, पहले अप्रैल से घर घर का गिनती शुरू होगा और उसमें से फिर तय करेंगे कौन गैर नागरिक है। गैर नागरिक कौन होगा हम अच्छी तरह जानते हैं, जिसका नाम मुस्लिम नाम है उनके ऊपर जांच बिठाएंगे, फिर मांगेंगे कागजात दो, तुम्हारा जन्म का पत्र कहाँ है, बाप का कागज दो। ये सब काम उन्होंने असम में शुरू किया था पहले, अभी पूरे देश में करना चाहते हैं। ये दोनों साथ साथ चलते क्या है, ये है साजिश। सीएए से सिर्फ हिंदू को नागरिकता मिलेगा, एनआरसी के माध्यम से मुसलमान जो घुसपैठी है, तो कहते हैं अमित शाह ये घुसपैठी है, इस घुसपैठियों को हम निकालेंगे। अगर ये होता है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे देश का जमहूरियत खत्म हो जाएगा, हमारे देश के सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा, हमारे देश की एकता खत्म हो जाएगा, इसको हम होने नहीं देंगे। आज मैं साफ कहना चाहता हूं, हम दिल्ली में देखे हैं, हम देख रहे हैं बंबई शहर में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, सब जगह ये हिंदू मुस्लिम सवाल नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने का, देश के जमहूरियत को बचाने का, देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई है। जितने मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं उससे ज्यादा हिंदू और दूसरे धर्म के लोग भी सड़कों पर उतरे हैं। हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कभी कतई इजाजत नहीं देंगे। हमने 19 तारीख को, पिछले महीने 19 तारीख को पंथी पार्टियों ने मिलकर नारा दिया था सड़कों पर उतरो। 19 दिसंबर हमने क्यों चुना? क्योंकि आजादी की लड़ाई में 19 दिसंबर को 3 हमारे नौजवानों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और मनोज, और राम प्रसाद बिस्मिल ने, अब सब लोग जानते हैं, सरफरोशी का तमन्ना, ये रामप्रसाद बिस्मिल ने ये गीत तैयार किया था। तो ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सबका है, जो धर्म के लोग भी है उनका भी है। और आज ये सबसे अहम सवाल क्या है, अहम बात क्या है, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इससे सांप्रदायिक लाभ उठाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम लोग इस पर आंदोलित हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में जो आज कुछ हो रहा है ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। वहां के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुल के कहा जब वहां आंदोलन शुरू हुआ कि हम बदला लेंगे। प्रदेश ने जिस तरह का भरपक दमन किया है उत्तर प्रदेश में 20 नौजवानों की जाने गई है, सब मुस्लिम नौजवान हैं, गोली के शिकार हुए हैं और वहां की पुलिस और सरकार कहती है कि पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है। हम किसी को मुआवजा नहीं देंगे और जगह जगह पर पूरे कौम पर माला लगा रहे हैं। बुलंदशहर में उन्होंने 6,47,000 का जुर्माना लगाया, रामपुर में 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इसको एक सांप्रदायिक कर देना चाहते हैं, लेकिन ये साजिश फेल होने वाला है क्योंकि हमारे देश के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं। हमने कभी नहीं देखा है ये जो हमारे देश के बड़े बड़े संस्थाएं हैं तालीम के, IIT है, IIM है, इन सब संस्थाओं के छात्र हर सड़कों पर उतरे हैं और हमें ये आंदोलन को जारी रखना है। जो भी दमन होगा, पुलिस दमन, उस दमन के सामने हम दबने वाले नहीं हैं। जामिया के छात्र आज भी जामिया में, दिल्ली में रोज प्रदर्शन कर रहे हैं जामिया यूनिवर्सिटी के सामने। अलीगढ़ के छात्र आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में रोज प्रदर्शन हो रहा है, सब शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आज हमें एकता को कायम रखना है और हमें ये आंदोलन को चलाना है जब तक सरकार इस CA कानून को वापस लेते हैं, उनको वापस लेना पड़ेगा। और NRC की जो काम शुरू करने चाहते हैं उस पर रोक लगाना पड़ेगा। ये आंदोलन के कारण आज हमारे देश के 12 जो है चीफ मिनिस्टर, 12 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम NRC को लागू नहीं करेंगे। यह अच्छी बात है। केरल के मुख्यमंत्री कमल पिनराई विजयन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी दोनों ने कह दिया है कि NCR जो है ये गिनती का काम पर रोक लगा रहे हैं क्योंकि स्टेट सरकार के कर्मचारी ये काम करते हैं, हम उस कर्मचारी को नहीं देंगे काम करने के लिए। इसलिए हमारी मांग आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से, जगनमोहन साहब से, हम कहते हैं आपने कहा हम भी NRC नहीं लागू करेंगे, लेकिन NRC लागू नहीं करना है तो पहले आप NPR पर रोक लगाइए जैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने किया है। ये काम अगर आप रोक लगाते हो काम नहीं हो पाएगा, केंद्र सरकार ये काम नहीं कर सकती है यहाँ की। तो हमारी मांग है NPR आंध्र प्रदेश में 1 अप्रैल से नहीं होना चाहिए। हम CA के खिलाफ आंदोलन को जारी रखेंगे और जब तक मोदी सरकार ये गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम को खत्म नहीं करते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए साथियों अंत में मैं ये नारा दे रहा हूं, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद,
हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सीएए को वापस लो, वापस लो, सीएए एनआरसी को खत्म करो, खत्म करो। हम संविधान को बचाएंगे, बचाएंगे, देश को बचाएंगे, बचाएंगे, बचाएंगे। शुक्रिया।